इस वीडियो में बात करेंगे आपकी अंडरवियर की कुछ मिस्टेक के बारे में, क्योंकि जाने अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, वो हमारे प्राइवेट पार्ट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर आप ये गलतियां सुधार लेते हैं तो भाई आप अपने प्राइवेट पार्ट को स्ट्रांग बना लेंगे। तो ये वाला वीडियो आपको पूरा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें मैं आज आपको ऐसी 8 मिस्टेक बताने वाला हूं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 मिस्टेक है कि टाइट अंडरवियर को पहनना। अगर आप ऐसी अंडरवियर को पहनते हैं तो इससे पहली बात तो आप सारा दिन अनकंफर्टेबल रहेंगे, आपका सारा दिन आपके प्राइवेट पार्ट को एडजस्ट करने में ही निकल जाएगा। और दूसरी जो इससे प्रॉब्लम होती है वो होता है भाई कि जो आपके प्राइवेट पार्ट में पसीना आएगा टाइट अंडरवियर पहनने की वजह से, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। मतलब कि उस जगह पर आपको बिल्कुल भी हवा नहीं मिलेगी, वहां पर बहुत सारा पसीना हो जाएगा, इसकी वजह से आपको इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है जो कि आपके प्राइवेट पार्ट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरी मिस्टेक है भाई कि सेम अंडरवियर को पहनना। अब ये वाली गलती हम अपने आलस की वजह से कर देते हैं, या फिर कभी हम इतनी ज्यादा जल्दी में होते हैं कि नहाने के बाद हमें अपनी अंडरवियर को वॉश करना चाहिए, उसको वॉश करने की जगह उसी अंडरवियर को पहनकर चले जाते हैं। अब ये चीज भी हमारे प्राइवेट पार्ट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो अंडरवियर आपने सारा दिन पहने हुई है, उसमें आपके सारा दिन का पसीना होगा, धूल होगी और बहुत सारे बैक्टीरिया भी होंगे, वो आपके अंडरवियर में भी आ गए होंगे। और अगर आप फिर से वही अंडरवियर को पहनते हैं तो भाई आपके प्राइवेट पार्ट में इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है और भी बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है जो कि आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अब से भाई आलस करना बिल्कुल ही छोड़ो, अपनी अंडरवियर को प्रॉपर वॉश किया करो, और जो अंडरवियर आप पहने हुए है उसको बिना वॉश किए बिल्कुल भी नहीं पहनना। तीसरी मिस्टेक है भाई कि जींस पहनकर सो जाना। मानो या ना मानो ये गलती आप में से बहुत से लोग करते होंगे, इवन मैं भी करता था। अब इससे होता क्या है ना कि जब आप जींस पहनकर सो जाते हैं तो आपकी जो बॉल्स होती हैं उनको ना रिलैक्स नहीं मिल पाता है, क्योंकि आप सारा दिन तो जींस पहने होंगे तो उस टाइम पे उनको तो रिलैक्स मिलना ही नहीं। और फिर जब आप रात में सोते हैं उस टाइम भी आप जींस को पहनकर ही सोते हैं। अब रात का समय किस लिए होता है ना कि जो आपकी बॉल्स होती हैं उनको ना रिलैक्स देने के लिए होता है, और अगर आप उस टाइम भी जींस पहनेंगे तो भाई उनको बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं मिल पाएगा। अब इससे क्या होगा ना कि जो आपका स्पर्म काउंट होता है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, अब हो सकता है आगे चल के आपको पापा बनने में दिक्कत हो। नंबर 4 मिस्टेक है कि अपनी अंडरवियर को रिप्लेस नहीं कराना। अब हम लोग अपनी अंडरवियर को इतना ज्यादा पहनते हैं कि भैया वो डैमेज हो गई है और उसमें ऐसे ऐसे दाग लग गए हैं जो कि अब नहीं मिटने वाले, फिर भी हम लोग उसे पहन रहे हैं। तो मेरे भाई अगर अब से आपके अंडरवियर पर ऐसा कोई दाग लग जाए जो कि अब साफ नहीं होने वाला है, या फिर वो डैमेज हो गई है, उस पर छोटा सा भी गड्ढा हो गया हो ना, तो वो बिल्कुल भी ना पहने, उसको तुरंत ही रिप्लेस करा लें। नंबर 5 मिस्टेक है कि जिम में बॉक्सर पहनना। बॉक्सर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है और अगर आप उसे जिम में पहनकर जाते हैं तो भाई हो सकता है आप आगे चलकर पापा नहीं बन पाओ, क्योंकि भाई जिम के लिए बना है सपोर्टर। आपको जिम में ऐसी चीज पहननी होती है कि जो कि आपके प्राइवेट पार्ट को सपोर्ट करे, और अगर आप उस टाइम पे बॉक्सर पहनते हैं तो भाई वो कहीं से भी आपके प्राइवेट पार्ट को सपोर्ट नहीं करेगा, आपको उसके लिए एक सपोर्टर ही लेना पड़ेगा। अब से भाई आपको बॉक्सर पहनकर जिम में नहीं जाना है और ना ही कोई भी वर्कआउट नहीं करना है, वरना आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और अब से आप कोई भी वर्कआउट करो, जिम में करो या फिर रनिंग करो या फिर कराटे करो, भाई कुछ भी करो, उस टाइम पे एक सपोर्टर जरूर पहनो। नंबर 6 मिस्टेक है कि बॉक्सर को ट्रांसपेरेंट कपड़ों के अंदर पहनना। अब भाई मैंने बहुत से बंदों को देखा जिनके ऊपर से लुक तो बहुत अच्छी दिख रही है, अगर भाई उनके नीचे देखो तो भाई आर पार बॉक्सर दिख रहा होता है। तो अब से आप जब भी कोई ट्रांसपेरेंट चीज पहनना है, जैसे कि कुर्ता हो गया या फिर कोई ट्राउजर हो गया जो कि ट्रांसपेरेंट सा है, तो उस टाइम पे आपको बॉक्सर नहीं पहनना है, तो उसके लिए आप पहन सकते हैं बॉक्सर ब्रीफ। नंबर 7 है, वर्कआउट के बाद में अपने अंडरवियर को चेंज नहीं करना। अब हम लोग जिम में जाते हैं, वहां पर वर्कआउट करते हैं और हमें इतना ज्यादा पसीना आता है कि भाई सारा दिन में भी इतना पसीना नहीं आएगा कि जितना उस जिम के एक घंटे में आ जाता है, और भाई सबसे ज्यादा पसीना आता है आपके प्राइवेट पार्ट में। और हम लोग यहाँ पर एक गलती कर देते हैं कि जिम के बाद जब हम घर पर वापस आते हैं तो हम नहाते नहीं है, अपनी अंडरवियर को चेंज नहीं करते हैं, तो भाई आप सोच सकते हैं आपको इतना ज्यादा पसीना आ रहा है उसमें कितने ज्यादा जर्म्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे, जो कि हमारे प्राइवेट पार्ट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब से आप लोग कोई भी वर्कआउट करने के बाद में घर पे आकर नहाए, नहाने के बाद में एक साफ सुथरी सी अंडरवियर को पहने। नंबर 8 मिस्टेक है भाई कि जिम अंडरवियर को सारा दिन पहनना। अब भाई देखो, जो जिम की अंडरवियर होती है वो सिर्फ जिम में पहनने के लिए ही बनी होती है, और अगर आप उसे सारा दिन पहनते हैं तो भाई वो आपको बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रखेगी, क्योंकि भाई वो बनी होती है सिंथेटिक मटेरियल से जो कि बना है सिर्फ 1 या 2 घंटे पहनने के लिए। तो जब आप वर्कआउट करते हैं तभी आप उसको पहने, उसके बाद में आप उसको चेंज कर लें, जो आपकी रेगुलर अंडरवियर है उसको आप पहन लें। अगर आप ये सारी गलतियों को सुधार लेते हैं तो भाई आराम से आप अपने प्राइवेट पार्ट को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके ही जाना, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर दो।